हाँ बेटे, आज हम क्वेश्चन करेंगे 8, 9, 10, 3 कल हमने 7 तक किए थे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 8। आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 12%, मतलब 12% डिस्काउंट के बाद ऑन मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, किसी आर्टिकल के मार्क प्राइस के ऊपर, MRP के ऊपर 12% डिस्काउंट के बाद इट इज सोल्ड फॉर 880 रुपीज़, तो उसे 880 रुपये में बेचा गया है, यानी डिस्काउंट के बाद उसका प्राइस हो गया है 880 रुपये। तो फाइंड इट्स मार्क प्राइस, तो उसका MRP निकालना आपको उसको। तो ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें गिवन क्या क्या है देखें, डिस्काउंट परसेंट 12, SP 880 रुपीज़, तो MRP आपको फाइंड आउट करना है। तो MRP के लिए फॉर्मूला होता है आपका 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट मल्टीप्लाई SP। तो अब हम डिस्काउंट परसेंट और SP की वैल्यू रखेंगे, 100 मल्टीप्लाई SP हमारा 880 रुपीज़, और अपॉन 100 माइनस 12, तो जो आपका डिस्काउंट है वो 12% है, तो 12, तो 100 मल्टीप्लाई 880 अपॉन 100 में से आप 12 माइनस करेंगे, 88। अब 88 से इसको कट करेंगे, देखो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको 880, तो 81 से आप डायरेक्ट काट सकते हैं, 81 88 1 जा 88 और 1 पे जाएगा और आपका 0, तो 100 मल्टीप्लाई 10 इजिकल टू थाउजेंड्स, तो इनकी मल्टीप्लाई थाउजेंड्स, तो MRP हो जाएगा उसका 1000 रुपीज। अब देखें क्वेश्चन नंबर 9। आफ्टर अलोइंग 10% ऑफ, ऑफ या डिस्काउंट एक ही मीनिंग होता है इसका, ऑफ बोल दिया जाए या डिस्काउंट बोल दिया जाए, तो आफ्टर अलोइंग 10% ऑफ ऑन द मार्क प्राइस, मार्क प्राइस के ऊपर 10% ऑफ करने के बाद, यानी डिस्काउंट 10% दिया यहाँ पे इसने, ए शॉपकीपर स्टिल गेट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, तो शॉपकीपर को 25% प्रॉफिट होता है, यानी 10% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 25% प्रॉफिट मिलता है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹180, अगर उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 180 है, तो देन फाइंड इट्स मार्क्ड प्राइस, तो उसका MRP निकालना आपको। तो यहां देखिए बेटे गिवन क्या क्या है इसके अंदर, डिस्काउंट परसेंट 10%, प्रॉफिट परसेंट उसका 25%, और CP है 180 रुपीज, हमें MRP निकालना है। तो इसमें एक ध्यान रखना आपको, हमें CP से हम सिर्फ SP पे जा सकते हैं, यानी CP से हम SP निकालेंगे और SP से MRP निकालेंगे। तो पहले आप CP से SP निकालेंगे, तो CP से SP के लिए फॉर्मूला होता है SP इक्वल टू SP निकालेंगे फॉर्मूला 100 प्लस प्रॉफिट, क्योंकि इसके लिए प्रॉफिट चाहिए आपको, तो CP और SP और यहाँ प्रॉफिट है, तो SP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 मल्टीप्लाई CP, तो ये फॉर्मूला रहता है SP निकालने का जब CP गिवन हो और प्रॉफिट गिवन हो। तो अब ये रहेगा आपका 100 प्लस प्रॉफिट 25% अपॉन 100 मल्टीप्लाई 180, तो 100 प्लस 25 125 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 180, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कट करेंगे, 5 2 जा 10, 125 को 5 से कट करेंगे 25 पे, और इसको 18 को 2 से कट करेंगे 9 पे, और 25 9 जा 225, तो 225 रुपये आ गया उसका क्या SP। अब SP निकाल गया, अब हमने SP से निकालेंगे हम MRP, तो MRP का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 100 मल्टीप्लाई SP अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, ये होता है MRP निकालने का जब डिस्काउंट और SP गिवन हो। अब ये वैल्यू पुट करेंगे हम SP और डिस्काउंट की, तो 100 मल्टीप्लाई SP है 225 अपॉन 100 माइनस 10 इक्वल टू, तो 100 मल्टीप्लाई 225 अपॉन 100 माइनस 10 90, और 0 से 0 कैंसिल, 9 से इसको कट करेंगे, 225 को 25 पे कट हो जाएगा, और 10 मल्टीप्लाई 25 250 रुपीज़, तो ये 250 रुपीज़ आ गया उसका MRP, तो ये आपका आ गया है MRP। अब क्वेश्चन नंबर 10 बेटे आपका सेम 9 जैसा ही है, इसके अंदर वही चीजें निकालनी है आपको, MRP निकालना है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, गेन या प्रॉफिट गिवन है, और डिस्काउंट, डिस्काउंट प्रॉफिट CP, ये तीन चीज गिवन है, पिछले वाले में भी वही थे, डिस्काउंट प्रॉफिट और CP, MRP निकालना है। तो 10 क्वेश्चन को आप स्वयं ट्राई करेंगे, ट्राई योर सेल्फ, तो ये मैं आपके लिए
छोड़ रहे हो बेटे, ये आप खुद करेंगे। तो आज आप सिर्फ 8, 9 और 10 तीन क्वेश्चन करेंगे, दो मैंने समझा दिए हैं, एक आप खुद करेंगे।